सो गाइस, स्विगी वालों का जुल्म भी यार अलग ही लेवल पे चल रहा है। मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। स्विगी का मैंने डिलीवरी मंगाया था और उसके बाद मुझे ना आज कॉल आया था एक्चुअली स्विगी की तरफ से। मैं आपको पहले जीमेल में आपको दिखा देता हूँ कि देखो, पहले मेरे को कॉल आया, उन्होंने मुझसे नंबर वगैरह कन्फर्म किया। कन्फर्म करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको ईमेल के थ्रू जल्द से जल्द रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं उनका रेजोल्यूशन दिखाता हूँ। ये देखो भाई, मेरे को यहाँ पे रेजोल्यूशन दिया गया है कि देखो, थैंक यू फॉर राइटिंग विद अस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं लगा दूंगा एक स्क्रीनशॉट इसका, कि थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस वी वाइल वी टेक केयर ऑफ योर इशू। मतलब आपका भाई सिंपल सा बात है कि हम आपके इशू को जो है वो हमने उसको देख लिया आपके इशू को, और हम आपको जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर इसको आपको जो है वो रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, और सॉरी कूपन प्रोवाइड कर दिया जो कि 30 दिन के लिए वैलिड है। तो इन्होंने ये चीज़ मेरे को दे दिया और चेकआउट में आप अप्लाई कर सकते हो। इतना मेरे साथ हो चुका था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने भाई, जब मैं गया स्विगी में, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि यार वहाँ पे जब हम मैं चेकआउट कर रहा हूँ ना, वहाँ पे वो 60 रुपये का जस्ट एक डिस्काउंट कूपन है। तो क्या करूँगा मैं उसका यार, अगर मैं 160 रुपये के ऊपर ऐसे भी खाना मंगाऊँगा तो मुझे कम से कम उसमें 120 का 60% ऑफ डील मिलता है। बाकी डिलीवरी मिला के जो चार्जेस लगते हैं, पर वो बेटर डील है, ठीक है, 60 रुपये वाले कूपन से बेटर डील है। तो मैंने बस भाई, मैंने स्विगी के कस्टमर केयर को फिर मैंने कॉल करने का कोशिश किया, तो भाई उनका सिर्फ चैट का ऑप्शन आ रहा था। तो मैं अभी आपको एक बार स्विगी का चैट में, देखो मैं यहाँ पे चैट अटैच कर देता हूँ, देखो मेरा उनसे क्या बात हुआ है वो चीज़ देख लो यार आप। मैं यहाँ पे चैट अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको बोला आई हैवंट रिसीव्ड द ऑर्डर, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये आया। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रंजल करके कोई भाई हैं इनके हैं, तो उनसे मेरा बातचीत स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने बस, मैंने उनको यही चीज़ बोला कि यार मैंने 4 बिरयानी मंगाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बिरयानी मैंने मंगाया था और मुझे सिर्फ 2 ही पैकेट रिसीव हुए हैं और 50 रुपये का मुझे डिस्काउंट कूपन मिला है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, आपको 60 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिला है जो कि 30 दिन के लिए वैलिड है। तो मैंने उनसे वही क्वेश्चन पूछा कि यार ये क्या टाइप का रेजोल्यूशन हुआ, मेरे को समझा तो दो कि ये रेजोल्यूशन है या क्या है। मैंने भाई 100 रुपये का मेरे को खाना टोटल मिला है, 300 रुपये का मैंने ऑर्डर किया था खाने का, 100 रुपये डिलीवरी में गया, ठीक है, और 100 रुपये का मान लो खाना आया है। बिकॉज मैंने 4 पैकेट मंगाया था यार, कॉम्बो ऑफर चल रहा था बाय वन गेट वन फ्री वाला, तो मैंने इसलिए मंगा लिया था, इतना दूर से आ रहा था। तो मैंने कहा चलो 100 रुपये डिलीवरी में दे देंगे, पर कम से कम खाना तो आएगा 4 पैकेट। उसके बाद इन्होंने क्या बोला देखो, कि हमने बहुत टाइम, जो प्रंजल उन्होंने बोला कि मैंने बहुत टाइम आपके इस चीज़ को देखा है, पर जो भी है हम इससे बेटर और आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा देखो यार, मैंने 300 रुपये का बिरयानी खरीदा है जिसमें से 200 रुपये का बिरयानी में गया और 100 रुपये डिलीवरी में गया, ठीक है, पर मुझे रिसीव हुआ है सिर्फ क्या कहते हैं 60 रुपये का कूपन, और अगर मैं ऐसे भी कुछ मंगाऊँ स्विगी से तो 150 रुपये का तो मिलेगा ना, सिंपल सा बात है, 150 रुपये का मिलेगा। तो उन्होंने कहा, और मैंने उनको बोला कि भाई देखो, मैं बताना तो नहीं चाहता पर आपका टेस्ट वगैरह भी यूज़लेस टेस्ट था भाई, बहुत ही घटिया था, 1-2 पीस था पनीर का। तो क्या करूँगा मैं ऐसा खाना लेके यार, मेरे को क्या मतलब। मैंने कहा यार पर मैं बोलना नहीं चाहता इसके ऊपर, पर सच्चाई यही था। तो उन्होंने कहा कि मैं विश करता हूँ कि मैं आपका कुछ हेल्प कर सकता, पर मैं इसके ऊपर कोई भी कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। मतलब स्विगी कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं कि भाई आपको खाना मिले या ना मिले, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम कोई कंपनसेशन क्रिएट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, मैंने उनसे वही चीज़ पूछा कि यार क्यों नहीं कर सकते जबकि मेरे को खाना मिला ही नहीं है। मैंने इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और मैंने अपने पुराने जो मेरा जो यूट्यूब का भाई व्लॉग देखोगे अगर आप, मैंने अगर आज डाला तो कल का मेरा व्लॉग देखना यार, मैंने उसमें स्विगी का डाला हुआ है कि भाई मैंने पूरा वीडियो बनाया, मैंने फूड रिसीव किया है, फूड को खोला है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम इसके ऊपर कुछ भी कॉम्पनसेशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कर क्या सकता हूँ, मेरे को इतना पता मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता और जो भी इनकन्वीनियंस है उसके लिए सॉरी, और मतलब आपके जगह मैं होता तो मैं समझ सकता कि आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ सकते भाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप जो बोल रहे हो, पर अदर ऑप्शन क्या है। तो उन्होंने कहा कि वही अदर ऑप्शन भाई कुछ भी नहीं है, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। बस वो हर बार उन्होंने यही बात रिपीट किया, तो मैं बार बार वीडियो में ये बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही बात उन्होंने भी मेरे साथ रिपीट किया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस मैंने भाई थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि हम कनेक्टेड हैं, मैंने यस बोला था, और बस उसके बाद उन्होंने चैट डिस्कनेक्ट कर दिया था क्योंकि मैं बहुत देर से मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि बोलूँ तो बोलूँ क्या, वो लोग तो कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो अब क्या करें भाई, स्विगी के ट्विटर में पक्का इस वीडियो के साथ अटैच करके मैं उनको वीडियो ज़रूर भेजूंगा ये वाला। तो अब देखते हैं इसका कुछ रेजोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता भाई, ये क्या है ये। मतलब यार 300 रुपये का मैंने खाना मंगाया, ठीक है, 300 रुपये का खाना मंगाया जिसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 पैकेट बिरयानी में से 2 ही पैकेट मिला है, ठीक है, 4 पैकेट में से 2 पैकेट मिला, वीडियो भी मेरा अपलोड है यूट्यूब में प्रूफ के लिए। तो अब ऐसा करोगे तो भाई फिर तो हो गया, अगली बार से तो भाई ऑनलाइन फूड मंगाने से अच्छा बाइक लेके जाओ। अब मैं पता है अभी देख रहा था स्विगी या जोमेटो वगैरह में भी, जोमेटो का डिलीवरी चार्ज कम है,
एक्चुअली मैं ये एक मतलब हकीकत है कि जोमेटो का डिलीवरी चार्ज कम है, पर स्विगी में भाई मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है यार, पास में ही है, 1 किलोमीटर होगा, वहाँ से डिलीवरी चार्ज 50 रुपये ले रहे हैं, कन्वीनियंस चार्ज 10 रुपये ले रहे हैं, मिला के 70-80 रुपये डिलीवरी में ले रहे हैं भाई। बाइक लेके जाऊँ यार 10-10 रुपये पेट्रोल फूके, मैं खुद ना ले आऊँ, ठीक है अपना व्हीकल लेके जाओ आराम से लेके आ जाओ बस यार। मैंने अब तो हो गया भाई, ये क्या बात हुआ यार, मैं अब तक तो मैं स्विगी से खाना मंगा रहा था जो कि ठीक ठाक था, कुछ फूड अगर मैं प्रॉब्लम भी होता था तो मैं करता था कंप्लेन और ठीक ठाक रिसीव हो जाता था, पर इस बार भाई ये क्या, मेरा तो भाई ट्रस्ट उठ गया स्विगी से, सीधी सी बात है। लेट मी शो यू समथिंग, तो ये देखो भाई ये मेरा स्टूडियो और ये रहा जितना भी वर्क किया हुआ है, सारा का सारा रेडी है, तो नया वीडियो भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आई वांट टू रीच 1 मिलियन। तो गाइस ये हमारा तीसरा रूम है, तो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया जो कि 15 वाट का बल्ब है, मैं रूम टूर दे रहा हूँ ठीक है, तीसरा वाला जिसपे मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह ज़्यादातर यहीं पे करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड भी यहीं पे करता हूँ, ग्रीन स्क्रीन पीछे लगा हुआ है पीछे की तरफ, तो बस इसी में मैं ज़्यादातर करता हूँ। और अब यहाँ पे दिखा दूँ तो ये देखो ये एक मेरे पास पड़ा हुआ है रिंग लाइट, और ये यहाँ पे एक स्टैंड भी है, कूलर मैंने लगाया हुआ है पर उसमें भाई बहुत ज़्यादा साउंड आता है, अब उसको चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक 20 वाट का बल्ब है, पीछे अब मेरा फेस जो है ब्लैक आ रहा होगा बिकॉज बल्ब पूरा मेरे मुंह पे पड़ रहा है, तो अब ब्लैक ही आ रहा होगा। पीछे वहाँ पे भी एक बल्ब है, तो टोटल यहाँ पे 3 बल्ब है, और एक बल्ब का भी सेटअप है जिसको मैंने लगाया नहीं है, मेरे को पता नहीं कहाँ पे गया वो बल्ब, कहीं तो मैं ये यहाँ पे नीचे रखा हुआ है एक बल्ब, उसको भी मैं सामने फ्रंट की तरफ लगाता हूँ ताकि और भी ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी हो, और उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करने में या एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। तो यार मैं ना सोचता बहुत हूँ कि यार कुछ ऐसे व्लॉग कंटेंट बनाया जाए, पर भाई मेरे साथ कुछ ना कुछ स्कैम होते ही रहता है ठीक है, कुछ ना कुछ स्कैम मेरे साथ चलते रहता है दिन में, तो बस वही प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाता, बाकी यार बनाने का तो पूरा कोशिश करता हूँ पर हो नहीं पाता भाई मेरे से, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है डेली कुछ ना कुछ नया नया स्कैम होता ही रहता है। आई डोंट स्वेट आई स्पार्कल, इसको मैंने बहुत दिन से यूज़ नहीं किया, इसको भी यूज़ करेंगे अब देखते हैं इसमें। तो बस यार गाइज आज कुछ इतना कुछ खास हुआ नहीं है, तो वीडियो कहीं पे बंद कर रहा हूँ मैं, स्विगी का एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता था और कोई अपडेट आया नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई भी रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हल्का सा भी अच्छा लगा हो, और आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, कुछ भी हल्का फुल्का कुछ भी दिख रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।